डूंगरपुर जिले के आसपुर में गुरुवार देर रात दो लुटेरे द्वारा एटीएम लूटने का प्रयास किया जा रहा था। उसी वक्त गश्त दे रही पुलिस को आते देख लुटेरे मौके से फरार हो गए। आसपुर थाना अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र के गोल गांव में जाने वाली सुनसान गली में स्थित एटीएम से पड़ोसी को खटखट की आवाज सुनाई दी, जिसमें पड़ोसी ने पुलिस को फोन पर सूचना दी। इत्तेफाक से उसी समय पुलिस का गश्ती दल के पहुंचने पर लाखों रुपए की चोरी होने से बच गई। एटीएम में करीब 18 लाख का कैश था। मौके पर आसपुर पुलिस, बीओबी, बैंक मैनेजर, बैंक कर्मी उदयपुर से आई एटीएम टीम ने टूटे एटीएम को खोलकर देखा। एटीएम में पड़ी पूरी राशि सुरक्षित थी। बीओबी बैंक के एटीएम में गार्ड की व्यवस्था नहीं है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए जल्द ही वारदात को अंजाम देने वाले का पर्दाफाश करने का पुलिस दावा कर रही है। कल रात को करीब हमें 2:21 के आसपास सूचना मिली थी। स्थानीय नागरिक हमारे जन समाज जिन्होंने बताया था कि यहाँ कोई स्थानक ऐसे कोई हथौड़ी की आवाज़ आ रही है, जिसके हमारे जो गश्त में थे कॉन्स्टेबल वहाँ मौके पर गए, जिसके बाद में हम भी गए। तो वहाँ जाकर हमने देखा तो वो जो एटीएम था बीओबी का जो गली के अंदर है सुनसान इलाके में, वो एटीएम उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया था। मौके पर जब हमने जाकर देखा तो प्रयास किया था तो एटीएम टूटा नहीं था। रात को हमने हमारे स्तर पर काफ़ी जानकारी जुटाने की कोशिश भी की, फुटेज देखी। रात को हमें पता इस संबंध में नहीं लगा। सुबह हमने बीओबी वाले जो मैनेजर साहब हैं और जो कैश का काम करते हैं उनको हमने बुलाया है और अब उनसे हम बोले के प्रकरण दर्ज कर रहे हैं और जल्दी हम इसके अंदर जो इस तरह की संदेह आरोपी घटना करने का प्रयास किया जिला आरोपी में घटना करना चाहिए उनको जल्दी हम खुलासा करने का प्रयास करेंगे। अगर शायद पुलिस नहीं पहुँचती तो घटना वहाँ पर हो जाती है।